फराइज मैंने इसके जिम्मे लगाए हैं, ये उसको अदा करता है और मेरे करीब हो जाता है। अब सोचिए जो औलिया हमारे यहाँ मारूफ हैं, कभी फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हुए देखा आपने उनको? वो कहते हैं मौलाना ये नमाजें तो आम लोगों के लिए है, जो इस स्टेज पे पहुंच जाता है उनके लिए फिर ये नमाज रोज़ा खलास हो जाता है, वो तसव्वुफ़ के बहुत आली मकाम पे पहुंच के वो अंदर ही अंदर नमाज पढ़ता। पीर और मुरीद इकट्ठे सफ़र कर रहे, नमाज का टाइम आया तो मुरीद ने कहा पीर जी नमाज पढ़ ले। कहता तू पढ़ ला, मैं अंदरों अंदरों पढ़ लेना, मेरा दिल ही अल्लाह 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 अल्लाह। आपने देखा हो सर इंडिया पाकिस्तान में कुछ तंजीमों ने दिल बनाया हुआ होता है और उसके अंदर अल्लाह लिखा हुआ होता है, खासतौर पर यह गोहर शाही की जो जमात चली तो उनका ये इंतखाबी निशान था दिल और उसके अंदर अल्लाह। क्या मुराद इससे कि अब हमारे तरीकों पे चलते हुए जब आप जिक्र और अज़कार करोगे आपका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा, सांस के साथ ज़र्बे लगाते हुए दिल पे ज़र्बे लगाते हैं और फिर दिल जारी होता है, दिल से अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकलती है। जब इस स्टेज पे पहुंच गए ना खलास, अब ना नमाज की जरूरत है, ना रोजे की जरूरत है, ना हज की जरूरत है, ना ज़कात, किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका दिल जारी हो गया। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या फरमा रहा है, मालिक का फरमान क्या है, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के जो करीब होता है वो किस चीज से करीब होता है, फराइज के जरिए। अल्लाह का बंदा अल्लाह का वली बनता है, अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह का प्यारा बनता है सबसे ज्यादा फराइज से। और फिर फराइज के अदा करने के बाद मेरा बंदा नफल इबादात के जरिए मुझे मेरा इतने नजदीक हो जाता है कि फिर मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूं। फर्ज की अदायगी के बाद नफलों की अदायगी शुरू होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा से नाराज होते हैं, आसमान से जिब्राइल उतरता है और कहता है नबी इससे रुजू कीजिए, क्यों, इन्नहा कवामतुन सवामा, ये रात को क़याम करने वाली, दिन को रोजे रखने वाली, अल्लाह को इसकी ये अदा बड़ी पसंद आई है और ये जन्नत में भी आपकी बीवी है। ये नफल तरीके हैं, ये नफल आमाल है, नफली आमाल से इंसान अल्लाह के करीब होता है। मालिक कहता है इतना करीब हो जाता है फिर मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूं और मैं इसका कान बन जाता हूं जिससे ये सुनता है, मैं इसकी आंख बन जाता हूं जिससे ये देखता है, मैं इसका हाथ बन जाता हूं जिससे ये पकड़ता है, मैं इसका पांव बन जाता हूं जिससे ये चलता है। अल्लाह कह रहा है मैं इसका इसका कान बन जाता हूं, इसकी आंख बन जाता हूं, इसका हाथ बन जाता हूं, इसका पांव बन जाता हूं जिससे ये देखता है, और फिर जब ये मुझसे कोई चीज मांगता है तो मैं इसको जरूर अता करता हूं, ये मुझसे सवाल करता है मैं इसके सवाल को पूरा करता हूं, ये दुश्मन से पनाह मांगता है तो मैं इसको पनाह दे देता हूं, ये दुश्मन से पनाह मांगता है मैं इसको पनाह देता हूं, ये मुझसे कुछ सवाल करता है मदद मांगता है तो मैं इसकी वो मदद करता हूं, इसको वो अता करता हूं। और मालिक का फैसला सुनिए, मालिक अज़्ज़ा वजल फरमाता है मुझे किसी काम में इतना तरद्दुद नहीं होता जितना अपने इस मोमिन बंदे की रूह कब्ज करने में, इसकी रूह कब्ज करने में जितना मुझे तरद्दुद होता है इतना किसी और काम में नहीं, क्योंकि इससे जिस्मानी तकलीफ की वजह से मौत ना पसंद है और मुझे भी अपने वली को तकलीफ देना पसंद नहीं, मगर हकीकत यह है कि इसे मौत से छुटकारा नहीं। सही बुखारी की यह हदीस है, जरा ये इस हदीस पर गौर करें। मालिक फरमा रहा है मैं अपने बंदे का की आंख बन जाता हूं, कान बन जाता हूं, हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं। अब हमारे यहाँ के औलिया जो मशहूर और मारूफ औलिया हैं वो क्या कहते हैं कि देखिए जनाब जब ये अल्लाह का वली अल्लाह इसकी आंख इसका कान इसका हाथ और इसका पांव बन गया तो फिर ये अल्लाह हुआ या ना हुआ, ये तो अल्लाह बन गया। अब फना फिल्ला की सबसे बड़ी दलील यही हदीस है कि बंदा स्टेप बाय स्टेप, पहले फना फिर शेख हुआ, शेख में फना हुआ, फिर रसूल में फना हुआ, फिर अल्लाह में फना हुआ। सोचिए इसी हदीस के अल्फाज पे गौर कीजिए तो फना फिल्लाह का ये कुफरिया अकीदा पाश पाश हो जाता है। कैसे, एक लम्हे के लिए मान ली हमने हमारे यहाँ के मारूफ औलिया में कि जनाब बंदा अल्लाह बन गया, उसका हाथ उसका पांव उसकी आंख उसका कान अल्लाह उसमें हलूल कर गया, वो खुद अल्लाह बन गया। लेकिन हदीस कह रही है मालिक कहता है जब ये मुझसे मदद मांगता है तो मैं इसको मदद देता हूँ, ये दुश्मनों में घिर जाता है अल्लाह की पनाह का सवाल करता है तो अल्लाह इसको बचाता है पनाह देता है। अगर ये खुद अल्लाह बन गया तो इसको मदद मांगने की जरूरत क्या है।
अगर ये खुद अल्लाह बन गया तो इसको पनाह मांगने की जरूरत क्या है, तो खुद अल्लाह है। फिर मालिक कहता है इसको मौत आती है, ये मौत से भाग नहीं सकता, मौत आते हुए इसको जिस्मानी तकलीफ की वजह से मौत नापसंद है, मुझे भी इसे तकलीफ देना नापसंद है, लेकिन मौत से इसको छुटकारा नहीं। अगर ये अल्लाह बन गया तो मौत किसको आ रही है? ये अकीदा कुफर का अकीदा है कि इंसान में अल्लाह हलूल कर जाता है, अल्लाह बंदे में आ जाता है, बंदा अल्लाह में पहुंच जाता है, फना फिल्ला हो जाता है या हलूल हो जाता है। ये दोनों अकीदे कुफर के अकीदे हैं, जिनकी सबसे बड़ी दलील वो हदीस के इसी बुखारी की इसी हदीस को लेकर तोड़ मोड़ कर अपना मौका पेश करते हैं, और ये हदीस पूरी पढ़ ली जाए तो उनके अकीदे को पाश पाश करती है कि अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मुझसे मदद मांगता है, मैं बंदे की मदद करता हूँ, वो मुझसे पनाह मांगता है, मैं उसको पनाह देता, उसको मौत से फरार नहीं है, मैं उसकी मौत तो मैंने कबज, उसकी रूह तो कबज करनी ही है, उसे मौत तो देनी ही है। अगर ये अल्लाह हो जाता है तो अल्लाह को मौत नहीं, ये मौत किसको आ रही है? औलिया अल्लाह, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले और उसके रंग में डूबे हुए। अब सोचिए जो अल्लाह के साथ शरीक करे, उसकी जात में हलूल के अकीदे रखे, वो कैसे अल्लाह के औलिया हो सकते हैं? चावल का देख का एक चावल आपको चेक करवा दूं कि हलूल का अकीदा रखने वाले कितने कुफरिया अकाइद के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारे हाथ के अंदर दीवाने मुहम्मदी सफा इसका 136 राइटर है इसके सुल्तानुल कामिलीन हुज्जतुल आरिफीन अब्दुल नबी अल मुख्तार हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कहते हैं, सूरत रहमान है तस्वीर मेरे पीर की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरत रहमान है तस्वीर मेरे पीर की। अल्लाह क्या कहता है? लैसा कमिथलिही शय, अल्लाह की कोई मिसाल, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। वो कहता नहीं, मेरा पीर ये असर में अल्लाह की तस्वीर है, अल्लामा कुरान है तकरीर मेरे पीर की। ये कुरान जो तुम पढ़ रहे हो, जिसको तुम अल्लाह का कुरान कहते हो, अल्लाह का कलाम कहते हो, नहीं, ये कुरान मेरे पीर का कलाम है। क्या खुदा की शान है या खुद खुदा है जलवागर, मिलती है अल्लाह से तस्वीर मेरे पीर की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज की रात सवाल हुआ कि आपने अल्लाह को देखा? कहा वो तो नूर है, अल्लाह तो नूर है, मैं उसको कैसे देखता? अल्लाह को मोमिन देखेगी जन्नत में, दुनिया की आंख से नहीं, जन्नत में जाकर अपनी आंख से देखेंगे, लेकिन इस दुनिया में कोई अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता, जीते जागते नहीं देख सकता। लेकिन यहां दावा हो रहा है कि मेरा पीर और अल्लाह एक चीज है, मेरे पीर की तस्वीर, मेरे पीर का कलाम वो अल्लाह की तस्वीर है, वो सूरत रहमान है और वो पीर का कलाम है। अब इन्हीं लोगों को हमारे यहां औलिया अल्लाह का अलकाम मिलते हैं, औलिया अल्लाह किया सुल्तानुल कामिलीन हुज्जतुल आरिफीन, ये आरिफीन पर हुज्जत है, कामिलीन के बादशाह हैं। इनका नाम बहुत बड़े औलिया के नामों में शुमार होता है, और ये अल्लाह की तौहीद की बुनियादी बात कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तन्हा है, अकेला है, यकता है, अपनी जात में तन्हा है, ना ईसा उसका बेटा है, ना उज़ैर उसका बेटा है, ना फरिश्ते उसकी बेटियां हैं, इस बुनियादी अकीदे का इनकारी है, अल्लाह की तौहीद के इनकारी। इसी तरह ये हमारे हाथ में फवाइले सदकात जिसका सफा 558 है, इसी अकीदे को कि इंसान स्टेज पे चलते चलते इबादत करते करते ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है कि फिर वो खुद ही अल्लाह बन जाता है। मौलाना ज़िक्रिया साहब तबलीगी जमात के अमीर अपनी किताब सफा 558 फवाइले सदकात हिस्सा 2 पे लिखते हैं, या अल्लाह माफ फरमाना, हजरत के इरशाद से तहरीर हुआ है, झूठा हूँ, कुछ नहीं हूँ, तेरा ही जिल है, तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तू है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तआलल्लाह अम्मा यकूलून, अल्लाह इनकी इस कलाम से पाक है, सुभान है, बुलंद है। ये उस अल्लाह पर तोहमत लगा रहे हैं, ये उस अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत कर रहे हैं और इस कुफर के अकीदे को उम्मत पे पेश कर रहे हैं कि अल्लाह जो तू है वो मैं हूँ, और मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क है, तू मेरा शरीक है और मैं तेरा, तू मेरे में से निकला है और मैं तुझ में से। इसके इस अकीदे को, इस अकीदे को जो अकीदा वहदतुल वजूद के हर चीज ही अल्लाह है, बंदा भी अल्लाह है, अल्लाह भी बंदा है, ये कुफर का अकीदा, इनका नाम औलिया की लिस्ट में बहुत बुलंद बुलंद नाम है। लिखते हैं इनको कुतुबुल आलम, ये पूरे आलम के कुतुब हैं,
शेख उल हदीस अवलिया की बहुत लंबी